ये बात तो हमें सभी लोग जानते हैं कि बचपन का मज़ा ही अलग है, क्योंकि इस टाइम पर आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी लाइफ नॉर्मल बच्चों की तुलना में बहुत ही अलग है। नंबर 5, द एहरन ब्रदर्स। जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तब उनका खाने का शौक भी बढ़ता जाता है, लेकिन क्या हो जब ये भूख इतनी बढ़ जाए कि घर का सारा अनाज ही ख़त्म हो जाए। ऐसा ही कुछ 17 साल के इन जुड़वा भाइयों के साथ में है। ये एक ऐसे रेयर डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं जिसमें ये पूरा दिन लगभग बिना रुके लगातार खाते रहते हैं। इन लड़कों की माँ को फ्रिज और कबर्ड में ताला लगाकर रखना पड़ता है, साथ ही साथ वो अपनी बिल्ली का खाना और घर के दूसरे केमिकल्स भी छुपा कर रखते हैं, क्योंकि जब इन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता तब वो कुछ भी खा लेते हैं। ये सब तो सुनने में ही बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि स्टीव और एडी नाम के ये दोनों भाइयों को नींद में चलने की आदत है और ये नींद में चलते चलते भी कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कई बार तो ये दोनों नींद में चलते चलते कचरे में से भी खाना ढूंढकर खा लेते हैं। नंबर 4, शोएब अहमद एंड अब्दुल रशीद। अगर आपको रात होती थकान फील होती है तो ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी रात जगते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले शोएब अहमद और अब्दुल रशीद पूरी दुनिया से अलग हैं। ये दोनों भाई दिन के टाइम पर तो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है तो सूरज के साथ ये भी शट डाउन हो जाते हैं, यानी कि इनकी बॉडी काम करना ही बंद कर देती है। डॉक्टर्स इस कंडीशन का पता लगा लगा कर थक गए, लेकिन उन्हें इस कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इनके एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर ने इन्हें दिन के टाइम पर अंधेरे में रखकर देखा, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल थे, जिससे डॉक्टर को समझ आ गया कि इनकी कंडीशन से लाइट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, जब इनका एक छोटा भाई दुनिया में आया तब उसके साथ भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी, और इसी कंडीशन के चलते इन्हें सोलर किड्स भी नाम दिया गया है। नंबर 3, क्रेटोवा एंजेलिना। ये जो सुंदर सी बच्ची अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका नाम क्रेटोवा एंजेलिना है। क्रेटोवा रशिया की रहने वाली हैं और ये इतनी सी उम्र में रशिया की एक बहुत बड़ी मॉडल हैं। क्रेटोवा 2015 में पैदा हुई थी और इनकी उम्र अभी 7 साल है। क्रेटोवा की माँ हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी एक मॉडल बने, इसलिए उन्होंने क्रेटोवा के फोटोशूट करवा कर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया, और बहुत ही जल्दी ये फोटोज वायरल भी हो गए और आज ये लड़की एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। नंबर 2, रैमसेस सैंग्विनो। अगर रैमसेस को एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि रैमसेस एक ऐसा बच्चा है जिसके जैसे दुनिया में शायद ही कोई और हो, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते हैं उस उम्र में रैमसेस अपनी मातृभाषा तो बोलता ही है, इसके अलावा वो 7 अलग अलग भाषाओं को लिखना और बोलना जानता है। रैमसेस की मदर टंग इंग्लिश है, लेकिन जब वो सिर्फ 13 महीने का था तब उसने अचानक ही रशियन बोलना शुरू कर दी थी, जो कि एक बहुत ही कठिन लैंग्वेज है, और बिना सीखे किसी और लैंग्वेज को बोलना एक गॉड गिफ्टेड ही होता है। इसके अलावा जब रैमसेस सिर्फ 2 साल का था तब उसने जापानीज बोलना शुरू कर दी थी, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। मैथ्स हम में से बहुत से लोगों को हार्ड लगती होगी, लेकिन सिर्फ 4 साल की उम्र में रैमसेस मैथ्स का एक्सपर्ट बन चुका था। 5 साल की उम्र तक आते आते उसने मैथ्स के अलजेब्रा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लिया था, जिसे सॉल्व करने में बड़े बड़े स्टूडेंट्स को भी परेशानियाँ होती हैं। रैमसेस को ऑटिज्म नाम की कंडीशन है, और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये बच्चा काफ़ी हद तक टेलीपैथी भी कर सकता है, मतलब कि ये दिमाग भी पढ़ सकता है। ये भले ही आपको सुनने में नामुमकिन लग रहा हो, लेकिन एक साइंटिस्ट ने इसे खुद इन्वेस्टिगेट किया है। उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस प्रोसेस की पूरी वीडियो भी बनाई थी, जिसमें रैमसेस को उसकी मदर का माइंड रीड करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में इनकी मदर कुछ नंबर का यूज़ करती हैं जिन्हें रैमसेस बिना देखे ही बता देते हैं। साइंटिस्ट इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो रैमसेस को इतना स्पेशल बनाती है। इजाबेला बैरेट। दोस्तों, इजाबेला बैरेट के बारे में जानने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने द नॉलेज बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको डेली मिलते रहें। खुद के दम पर करोड़पति बनना
एक बहुत ही मुश्किल बात है जिसके लिए लोगों को सालों लग जाते हैं और कुछ लोग तो सारी ज़िंदगी भी कोशिश कर कर करोड़पति नहीं बन पाते। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि एक 6 साल का बच्चा अपने ही दम पर करोड़पति बन गया, तो शायद आपको हमारी बात पर यकीन ना हो। बात हो रही है इज़ाबेला बेरेट की। इज़ाबेला 8 अगस्त 2006 में अमेरिका में पैदा हुई थी और 2012 में उन्होंने लिटिल मिस अमेरिका का खिताब जीत लिया था और उस टाइम पर इनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। इन्हें प्राइज मनी के तौर पर $1 मिलियन दिए गए। लेकिन ये बच्चे यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। सिर्फ 10 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने 55 क्राउन्स और 85 टाइटल्स जीत लिए थे। इसके साथ उन्होंने अपनी मदर के साथ मिलकर खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड भी बनाया है। दोस्तों, इन सभी बच्चों में से किसके बारे में जानकर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।